Good morning to all of you. So let's start question 3. Replace this in each of the following by the correct number. हमें यहाँ कुछ parts दिए हैं और जिसमें एक आपका number blank है जो आपको fill करना है यहाँ ऐसा number जो एकदम correct हो. अब आप देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, एक ऐसा number fill करना है कि आपको ये जो फ्रैक्शंस हैं ये दोनों इक्वल हैं. यहाँ हम कुछ भी नंबर डालेंगे. अब मैं कहूँ 1/2 इज इक्वल टू 2/, अब बताइए क्या आएगा. यहाँ भी 1 यहाँ 2, मतलब 2 में से हाफ. अब कितना का हाफ करें कि 2 आए, वो नंबर क्या होगा, 4. अब 2 का हाफ किया तो 1 आया. यहाँ वो नंबर फिल करना था कि हम उसका हाफ करें तो 2 आंसर आए, तो वो क्या होगा, 4. लेकिन हमें पता कैसे चला, ये तो हमारे देखने का नजरिया था कि हम ऐसे देखते हैं. लेकिन हम क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि इन दोनों नंबर्स में क्या रिलेशन है. आप देखिए यहाँ 1 है यहाँ 2 है, मीन्स अगर हम इसका 2 टाइम्स कर दें तो 2 आएगा, मीन्स हमें इसका भी 2 टाइम्स करना पड़ेगा जो 4 आएगा. ओके, हम सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स में रिलेशन देखेंगे कि हमने कितने से मल्टीप्लाई किया है या डिवाइड किया है जो वो आंसर आया है. जो न्यूमरेटर फ्रैक्शन में आपका क्या होता है बच्चों, जो भी हम फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में कुछ भी करते हैं मल्टीप्लीकेशन डिविजन, वो सेम आपके डिनोमिनेटर में होती है, तभी तो आपका फ्रैक्शन सेम रहेगा. अब यहाँ हाफ था 1/2, हमने क्या किया, ऊपर वाले को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आया 2/2. ये क्या ये इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं. हमने न्यूमरेटर में तो मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर तो आपका वही है, तो वो फ्रैक्शन यहाँ आया 2/2, जो फिर से कितना हुआ, 1. अब ये तो कह रहा है 1/2, मतलब 2 में से आपका ये 1 पार्ट, और ये कह रहा है 2/2, मीन्स आपके 2 में से 2 पार्ट. क्या ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं, बिल्कुल भी नहीं. वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कब होते हैं, तब हम जो भी चेंज करें न्यूमरेटर में वो सेम चेंज कहां करना है आपको, डिनोमिनेटर में. ओके, तो वो फ्रैक्शन क्या रहेगा, इक्विवेलेंट. अगर हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपका फ्रैक्शन क्या रहेगा, सेम. अब आप देखिए ये फ्रैक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली है कि आपने 2 में से 1 एंड 4 में से 2, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है दोनों, कि हमने हाफ जो है वो स्क्वायर शेड किए हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे. अब देखिए यहाँ 2 और 8 में क्या चेंज है, हमने देखिए 2 को कितने से मल्टीप्लाई किया जो 8 आया, 4 से, तो हम 7 को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, वो कितना आएगा, 28. ओके, आप देख सकते हैं हमने ऐसा ही किया है, 2 को मल्टीप्लाई किया था 4 से तभी तो 8 आया था, सेम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो क्या आएगा, 28. अब आप देखिए यहाँ 5 में क्या मल्टीप्लाई किया कि आंसर 10 आया था, 2, 5 2 10, मीन्स 8 2 16. ओके नाउ अब देखिए, अब न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर, तो हमें तो रिलेशन देखना है. अब पहले तो 5 डिनोमिनेटर था, अब 20 है, मींस क्या चेंज किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 20, मींस न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, ये यहाँ 3/5 था, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 20 बना, मींस इसको भी तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये जो इक्वल साइन है ये अपना होल्ड होगा. अगर हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे सेम नंबर से तो इक्वल नहीं रहेंगे. अब इसने तो कहा है कि इक्वल है, अब इक्वल कब होंगे, तब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, मीन्स आपको यू हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर आल्सो, सो 3 × 4 इज 12, मीन्स हियर इज 12. ओके नाउ अब आप देखिए 45 एंड 15 में क्या रिलेशन है, 45 आपका यहाँ है और 15 यहाँ है, मीन्स आपने क्या किया, 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया या 45 को 3 से डिवाइड किया आपने, तभी क्या आया 15. अब यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम डिवाइड भी तो कर सकते हैं. अब 45 को 3 से डिवाइड किया तो 15 आया, मीन्स हमें इस डिवाइडेड बाय 60 है जो, इसको भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये इक्वल साइन रहेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में जो चेंज किया है वही सेम चेंज आपको डिनोमिनेटर में भी करना है, मीन्स इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20. ओके अब देख सकते हैं, देखो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, एकदम सेम है दोनों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. नाउ 4 6 आर, अब वहां देखिए आप ये यहां से देख सकते हैं कि 4 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से, 24 आ रहा है, मींस 24 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 6 से, तभी आपका आंसर 4 आया था, मींस 18 को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 6 से, सो इट इज 3. ओके स्टूडेंट्स,
रही बात आप चेकआउट कर सकते हैं कि अपना आंसर ठीक है या नहीं है, वो आप इनके सिंपलेस्ट फॉर्म बना लीजिए। देखिए ये वाला नंबर है आपका 3/5, आपने निकाला 12/20, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाइए इसकी, इन दोनों का एचसीएफ निकालिए, इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा आपका 4, तो 4 से डिवाइड कीजिए, क्या आया 4 3 12 4 5 20, मीन्स 3/5 3/5 मीन्स आपका आंसर राइट है। एक आप फिफ्थ क्लास में एक और करते थे, कैसे करते थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, जब भी आपके दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होते थे ये बात आप कैसे पता करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। देखिए 20 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 60, एंड 5 और 12 की करेंगे तो भी 60, राइट है, मीन्स दिस बोथ फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। ओके ये भी करते थे ना हम फिफ्थ क्लास में, तो अब आप ऐसे ही करना है आपको, शायद फिफ्थ में भी आपने ऐसे ही किया होगा, नहीं तो आप चाहे तो कैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे, या आप उसमें रिलेशंस देखें। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज सो इजी क्वेश्चन, यू कैन डू इट इन योर फ्रेंड नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।